आइए बनाते हैं हम अजवैनी कुकी। सबसे पहले हम एक बोल में मक्खन ले लेते हैं। ध्यान रहे कि मक्खन जो है वो नरम होना चाहिए, हार्ड नहीं या पिघला हुआ नहीं, सिर्फ सॉफ्ट। उसको आप रूम टेम्परेचर पर रख दें तो मक्खन खुद ब खुद नरम हो जाता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं हम मक्खन। और इसमें हम डाल लेते हैं एक अंडा, और इसको बीट कर लेते हैं। ये प्रोसेस 3 से 5 मिनट ले लेगा। इसको लगातार बीट करना है हमने। आप चाहे तो इसको हाथ वाला जो बीटर होता है उससे भी बीट कर सकते हैं। और इसको बीट करने के बाद इसमें हम मैदा नमक डाल के एक बारी फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं मैदा। लगभग ये 250 ग्राम मैदा है। हमने 150 ग्राम मक्खन में 250 ग्राम मैदा डाला। अब इसमें डालते हैं नमक, लगभग एक छोटा चम्मच, और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। आजकल बाजार में एग सब्स्टिट्यूट भी मिलता है, ये वेजिटेरियन होता है। आप चाहें तो अंडे की जगह पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यदि आपको आसानी से मिल जाए। अब इसको हम डो को रेस्ट देने के बाद और सेट होने के बाद इसको हम निकाल के रोल कर लेते हैं। आधा पोर्शन इसका ले लेते हैं पहले। वर्क टेबल को थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं हम मैदे से, सूखे मैदे से, और इसके बाद हम इस डो को बेल लेंगे। एक रोलिंग पिन से इसको हम बेल लेंगे। जितनी मोटी हमने कुकी की हाइट रखनी है उतना इसको हम बेल लेंगे। अब एक कुकी कटर की मदद से इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो इस समय इसके ऊपर अजवाइन लगा सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन इसके ऊपर बुरक के, या फिर अजवाइन आप कुकी को काटने के बाद भी लगा सकते हैं अगर आप उसमें ज़्यादा अजवाइन चाहते हैं तो। अजवाइन को डालने के बाद इसके ऊपर एक बार ये बेलन चला लेंगे हम, रोलिंग पिन, तो अजवाइन इसमें दब जाएगी। अब एक कुकी कटर की मदद से हम इसको काट लेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप का कुकी कटर ले सकते हैं, लेकिन हम ले रहे हैं गोल, और इससे हम कुकीज़ को काट लेते हैं। और इनको काटने के बाद हम एक बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे। बेकिंग ट्रे में हम पहले से ही एक बटर पेपर बिछा लेते हैं, और अवन को हमने 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले से ही गर्म कर लिया है। तो आइए हम कुकीज़ को काट लेते हैं। इस तरह से हम नज़दीक नज़दीक सारी कुकीज़ को काट लेंगे, और अब इनको हम ट्रे में सेट कर लेते हैं, और इसके बाद इसको हम बेक करेंगे। बेक करने से पहले इन कुकीज़ को आप एग वॉश कर सकते हैं या फिर मिल्क वॉश भी कर सकते हैं। यदि आप अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अंडा फेंटिए, उसके अंदर थोड़ा दूध मिलाइए, उसको फिर से फेंट के एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर एग वॉश कर सकते हैं। अगर अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर सिर्फ मिल्क वॉश भी कर सकते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं एग वॉश। हमने अंडा और दूध फेंट लिया है, इसको हम कुकीज़ के ऊपर थोड़ा ऐसे लगा लेंगे। ऐसा करने से कुकी के ऊपर कलर भी अच्छा आता है और शाइन भी अच्छी आती है। तो लीजिए, कुकीज़ को हमने एग वॉश तो कर लिया है, और साथ ही में हमने अवन को पहले से ही 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट यानी कि पहले से गर्म किया हुआ है। आइए इन कुकीज़ को डालते हैं अवन में और बेक करते हैं। इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट और ये कुकीज़ तैयार हो जाएंगी। तो आइए इनको बेक कर लेते हैं। तो लीजिए,
20 मिनट में हमारी अजवैनी कुकीज तैयार हो गई। अब इनको हम इस प्लेट में डाल लेते हैं। थोड़ी सी गर्म है, आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद इसको निकालें, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा। तो लीजिए, हमारी अजवैनी कुकीज़ तो तैयार हैं। आप इसको एक के बाद एक लगातार खा सकते हैं,